हेलो बच्चों, तो आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, आंसर आप लोगों ने अपलोड किए हैं कमेंट सेक्शन में, काफ़ी बच्चों के आंसर मेरे को देखने को मिले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं उसका सॉल्यूशन और उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लर्निंग है। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था, आज के सारे 10 क्वेश्चंस में आपको अलग अलग लर्निंग आपको देखने को मिलेगा। तो आप नोटबुक में ज़रूर इन सब चीज़ों को नोट डाउन करते रहिएगा। और ये सीरीज अगर आपको अच्छे लगेगी तो डेफिनेटली इस सीरीज़ को अपन थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यू करेंगे कि हर एक क्वेश्चन के पीछे क्या लर्निंग है, उस चीज़ को हम आगे थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यू करेंगे अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है तो। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ अजय सिंह, मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस से, 20+ एनटीएससी स्कॉलर को मेंटर कर चुका हूँ, 7+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, मोर देन 10K को मैं यहाँ पे अभी तक मेंटर कर चुका हूँ। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले टिल 28 फेब तक। बच्चों ध्यान रखिएगा, आपको मिलने वाला डिस्काउंट विल बी 10% एंड देन आफ्टर दैट इट विल बी 5%। देन फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाय यूजिंग द कोड ASSIRLIV फॉर आइदर 1 or 2 ईयर के लिए। ठीक है, प्लस सब्सक्राइब करने का आपको क्या क्या बेनिफिट है, लाइव क्लासेज, वीकली टेस्टेड स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑलरेडी कुछ करंट बैचेज ऑन गोइंग है, फटाफट से आप इस किसी भी कोर्स में आप इनरोल कर सकते हो एक सिंगल प्लान के अंदर। ठीक है बच्चों, अनअकैडमी आप लोगों के लिए आज का डाउट फैसिलिटी लेके आए, जिसके अंदर आप अपने डाउट कभी भी 24x7 आवर्स आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कुछ डूज और डोंट्स हैं जो आप लोगों को डाउट पूछते समय जरूर डेफिनेटली ध्यान रखने चाहिए। जो भी नए बच्चे हैं, फटाफट से मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, फटाफट से आप लोग इस प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोज स्पेशल क्लासेस के अपडेट टाइम टू टाइम यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सॉल्यूशन, एलजेब्रा चैलेंज का जो सॉल्यूशन है वो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को दिया हुआ था x³ + y³ + z³ - 3xyz = 97, फाइंड द अनऑर्डर नेचुरल सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। ठीक है बच्चों, तो हमने क्लास 9th में ये आइडेंटिटी पढ़ी थी बच्चों, अगर आप लोगों को याद हो तो। मैं क्या इस आइडेंटिटी को लिख सकता हूं x+y+z * x²+y²+z² - xy - yz - xz, यस और नॉट? ठीक है ना, तो अगेन अगर मैं इसी चीज को लिखूं तो लिख सकता हूं क्या x+y+z * (x-y)² + (y-z)² + (x-z)² यस और नॉट? और साथ में डिवाइड बाय 2 भी मैं यहां पे लिख सकता हूं। और ये जो चीज आपको दिख रही है ये है आपका 97 है। क्या है बच्चों? 97। ठीक है, एज वी नो दैट 97 इज अ प्राइम नंबर, इट हैज एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, 1 and itself। तो मैं यहां से एक चीज तो बोल सकता हूं कि x + y + z cannot be 1 बिकॉज xyz आर नेचुरल नंबर, एटलीस्ट देयर सम विल बी 3। उनका एटलीस्ट सम कितना होगा? 3 होगा। तो डेफिनेटली x + y + z cannot be = 1। देन ऑब्वियसली बात है x + y + z will be 97। कितना होगा बच्चों? 97 होगा। एंड x - y² + y-z² + z - x² का जो वैल्यू है दैट विल बी कितना होगा बच्चों? 2, क्योंकि ये वैल्यू 1 होगा उस केस में और 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम 2 आ रहा है, 3 परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर सम इज 2। ठीक है, आपसे पूछा गया एन ऑर्डर पेयर, तो ऑब्वियस सी बात है इनमें से कोई 1 होगा, कोई 0 होगा, कोई 1 होगा, यस और नॉट? तो यहां से मैं एक चीज यहां से लिख सकता हूं कि y = z + 1 एंड x also = z + 1, यस और नॉट? और x = y यहां से निकल सकता है, तो यहां पे वैल्यूज आप पुट कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं बचा है। तो क्या रख सकता हूं मैं यहां से? z + 1, फिर लास्ट में आ जाएगा z = 97, यस और नॉट? ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 3z + 1, 2 = 97। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा बच्चों? 3z = 95। ओ माई गॉड, ये तो क्वेश्चन गलत हो गया, ये तो अपन ने सोचा ही नहीं था।
ठीक है। तो अब एक चीज आप और समझिएगा, यहां पे एक चीज आप और समझिएगा, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया था तो क्या ये जो वैल्यू है y माइनस जेड इक्वल्स टू वन जो है, क्या ये y माइनस जेड इक्वल्स टू माइनस वन भी तो पॉसिबल था, y माइनस जेड इक्वल्स टू माइनस वन भी तो पॉसिबल था। तो ये माइनस वन भी पॉसिबल है बच्चों, ये माइनस वन भी पॉसिबल है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, थ्री जेड माइनस टू इक्वल्स टू 99 हो जाएगा, सॉरी 97 हो जाएगा। तो थ्री जेड का वैल्यू आपका 99 निकल कर आएगा और जेड का वैल्यू आपका 33 निकल कर आएगा, यस और नॉट, ठीक है ना। तो जब जेड का वैल्यू 33 आ गया तो एक्स और वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 32, 32 एंड 33। ये आपका ओनली सिंगल पेयर सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। आपसे अनऑर्डर्ड पेयर पूछा गया था, दैट्स व्हाई ओनली वन सॉल्यूशन इज देयर। अगर आपसे ऑर्डर्ड पेयर सॉल्यूशन पूछा जाता तो देयर विल बी थ्री सॉल्यूशंस, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैं यहां से एक रिजल्ट बना सकता हूं क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वल्स टू प्राइम नंबर। अगर ये प्राइम नंबर ग्रेटर देन थ्री है तो इसके हमेशा अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन, हमेशा अनऑर्डर्ड नेचुरल सॉल्यूशन, क्या है, अनऑर्डर्ड नेचुरल सॉल्यूशन हमेशा कितने होंगे बच्चों, वन होंगे। कितने होंगे, वन होंगे। इफ दैट प्राइम नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m+1, अगर वो प्राइम नंबर 3m+1 का हुआ, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को ये प्राइम नंबर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है आप लोगों को ये नंबर किस फॉर्म में है बच्चों, 3m+1 की फॉर्म में है। तो पहला जो सॉल्यूशन आएगा, एक्स का जो वैल्यू आएगा, दैट विल बी 3m+1 माइनस सॉरी p-1/3। दूसरा सॉल्यूशन भी आएगा p-1/3 और तीसरा सॉल्यूशन आएगा p+2/3, ठीक है ना। ये आपको एक्स्ट्रा लर्निंग है। अगर p का वैल्यू 3m+2 होता, अगर p का वैल्यू 3m+2 होता, लेट सपोज 97 की जगह अगर यहां पर 37 होता, 97 की जगह 37 नहीं, अपन लेते हैं प्लस टू की फॉर्म का कोई भी एक प्राइम नंबर, 71 हम ले लेते हैं, 71 हम ले लेते हैं, ठीक है। अगर यहां पे एक प्राइम नंबर 71 होता तो एक नंबर आता 71-2, 69/3, 69/3 विच इज 23, कितना आता, 23 आता। ये जेड का वैल्यू आता, क्या किसका वैल्यू आता, जेड का वैल्यू आता। तो p-2/3 एक सॉल्यूशन आ जाता और उस चीज के अंदर 23 में प्लस वन करना पड़ता तो वो प्लस वॉट एवर 24 हो जाता। कितना हो जाता बच्चों, 24 हो जाता। तो बाकी के जो सॉल्यूशन है दैट विल बी p+1/3 एंड p+1/3। आई बात समझ में, ये दो केस आप लोगों के बनेंगे। ये एक्स्ट्रा लर्निंग है, इसको आप बार बार देखिएगा, डेफिनेटली आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इस चीज को समझने के बाद, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बस आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट आप लोगों के लिए चैलेंजर क्वेश्चन बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाला, तो बने रहिएगा मैथ्स 101 चैनल के ऊपर। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा। बाय बाय। Now learn more with Unacademy's Plus subscription and get 10% discount. Subscribe to this channel and hit the